हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत अच्छा और आपको भी मैं बहुत अच्छा रखने वाला हूँ कि आपको एक बहुत ही बड़ी क्वेश्चन के सवालों के आंसर देने वाला हूँ। कि क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, अगर मुझको कई सारे मेरे व्यूअर्स ने पूछा है कि क्या मैं सर आपको जो नया अपडेट आया है 9.5.13.3 का उसके लिए वेट कर जाऊँ, या फिर जो अपडेट अभी मैं हमारे पास फ़िलहाल है उस जो 9.5.13.0 का अपडेट है उसको अपडेट कर लूँ। तो फ्रेंड्स, इसी कुछ सवालों का जवाब को मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर ये रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हम 9.5.13.0 को अपडेट कर ले या फिर 9.5.13.0 को अपडेट नहीं करें, 9.5.13.3 के लिए वेट करें, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 9.5.13.0 के पहले जो वर्सन से उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा देख लेना चाहिए कि 9.5.13.0 में क्या क्या नया आया है। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को दिखा दूंगा जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अगर मैं अपडेटर में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में तो मैं 9.5.13.0 को जो स्टेबल वर्जन में उसको यूज़ करूँ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर मैं वर्ड्स में क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप रीजन इंक्रीज्ड हो चुका है जो ऑप्टिमाइज कर दिया गया था। और नीचे में देख सकते हैं आप, उसके बाद लिखा है इमेज क्वालिटी फॉर फोटो टेकन विथ फ्रंट कैमरा, उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है। बूस्ट रिस्पॉन्स स्पीड फुल स्क्रीन गेस्चर्स को भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया गया है और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट प्लान का भी उसका फिक्स कर दिया गया है। इशू ऑफ नोटिफिकेशंस, हाँ कोई कभी हम स्वाइप करते तो वो थोड़ा अटकता था, उसको भी फिक्स कर दिया गया है। एरिया कोर्स एट्रीब्यूट रॉन्ग लोकेशन, GPS का थोड़ा प्रॉब्लम था उसको भी ठीक कर दिया गया। डुअल ऐप स्प्लिट स्क्रीन, इसका भी एक प्रॉब्लम था वो ठीक कर दिया गया। फ्रंट स्केस, अगर हम डिवाइस में अगर हम कुछ फ्रंट्स देते थे तो वो अचानक से चेंज हो जाता था, कुछ देर बाद रहता था तो उसके बाद चेंज हो जाता था, तो अब उसको भी ठीक कर दिया गया। उसके बाद रिंगटोन इनकमिंग कॉल का भी एक प्रॉब्लम था उसको भी फिक्स कर दिया गया। वाईफाई हॉटस्पॉट में कभी कभी हॉटस्पॉट ऑफ हो जाता था, काम नहीं करता था, उसको भी फिक्स कर दिया गया। और एलम कभी कभी बजता नहीं था। हॉलीडे का जो हम सिलेक्ट सेव कर करके रखते हैं उसका भी एक प्रॉब्लम था उसको भी फिक्स कर दिया। तो फ्रेंड्स, पिछले ये तो जो EMI ने लिखा हुआ है वो सभी है, लेकिन अलग से अगर हमको कुछ बताएं मेन पार्ट हमको जो पता है हम आपको बताएंगे तो वो है, फर्स्ट हमको आपको दिखाएंगे कैमरा। अगर फ्रेंड्स कैमरे की बात करें तो आप देख सकते हैं कैमरे में फोकस एक चांस ले लेती है, आप फटाक से फोकस ले लेती है। और इसमें जो पोर्ट्रेट मोड है आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आपको एक जो पहले 2.5 का जूम मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है, उसके लिए अलग से डेडिकेटेड बटन को देगा, अगर हम बटन को प्रेस करें तो वह जूम होता जा रहा है आप देख सकते हैं। और डेप्थ मोड पहले से बहुत बेटर हो गया है फ्रेंड्स, बहुत बेटर हो गई है। और आपको जो नॉर्मल फोटो मोड मिलता है उसमें भी पिक्चर बहुत आती है, वीडियो का भी क्लैरेशन बहुत पहले से बेटर हो चुका है वीडियो का क्लैरेशन। और अगर हम बात करें स्लो मोशन की तो फ्रेंड्स स्लो मोशन पहले से बहुत अच्छा हो चुका है स्लो मोशन, लेकिन स्लो मोशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन ब्लैक होता है, लाइट थोड़ा कम हो जाता है, वो तो पहले में ही था और अब भी है। तो स्लो मोशन अगर दिन में करें तो आपको सेटिस्फाइड थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन रात को स्लो मोशन आप नहीं कर सकते। और कैमरे की बात करें, कैमरा बहुत ही अच्छा हो गया है फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट मोड तो बहुत ही। और अगर आप फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में फ्रेंड सब कुछ ही अच्छा हो गया है, फ्रंट का तो जैसा था वैसा ही है, फ्रंट का कुछ प्रॉब्लम पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, डेप्थ मोड फ्रंट का बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसका नाम है, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में यहाँ पे आपको कुछ थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो अगर आप थीम्स दे सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ है, मैंने थोड़ा थीम दिया था ऐसे करके, आप थीम यूज़ कर सकते, मैं थोड़ा थीम यूज़ किया था। ओवरऑल फ्रेंड्स नोट ऐप को बहुत बढ़िया कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं अगर हम फाइल मैनेजर की बात करें, फाइल मैनेजर के बाद हम कुछ डिलीट करें
तो डिलीट का आप थोड़ा देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट एनिमेशन दिया हुआ है डिलीट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जंक फाइल करके ऐसा गोल वाला दिखा रहा है जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है। और फ्रेंड्स हमारा जो शॉर्टकट्स था, ऐप्स, इमेज, वीडियो, डॉक, म्यूज़िक, इसका जो शॉर्टकट्स था उसको भी एक नया कर दिया गया है, थोड़ा 4x4 कर दिया गया है। और फ्रेंड्स ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी एक नया चीज़ है, इस साइड में अगर आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे एक फुटबॉल कार्निवल का भी ऐड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटबॉल कार्निवल का भी ऐड कर दिया, और नीचे पे एक स्टॉक का आ गया है जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ दिखाता है। और फ्रेंड्स रैम ऑप्टिमाइजेशन पहले हद से बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी फ़ोन तो अभी फास्ट चल रहा है। और जो थीम्स में जो फ्रॉन्ट्स का प्रॉब्लम आता था वो फ्रॉन्ट्स का प्रॉब्लम भी अब जा चुका है, अब अपने मन चाहे फ्रॉन्ट्स को ले सकते हैं, थीम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले यूज़ करने के वक्त जा रहा था, अगर हम किसी फ्रॉन्ट को यूज़ करते थे वो कुछ देर बाद रहता था, उसके बाद डिफ़ॉल्ट में आ जाता था, तो अभी ऐसा केस नहीं हो रहा है। और थीम में भी ऐसा होता था, किसी अगर आप थीम को यूज़ करें तो पहले कुछ देर बाद वो थीम फिर से बैक हो जाता है, पहले वाले डिफ़ॉल्ट थीम में आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है, अभी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और अभी ये स्टेबल काफ़ी हद तक कह सकते हैं, मैं आपको पूरा पूरा गारंटी दे सकता हूँ कि 85 से 90 तक ये जो रॉम है वो स्टेबल हो चुका है। ये जो नया अपडेट आया था 9.5.13.0 का, ये बहुत ही स्टेबल हो चुका है। और अगर आप पुराने वर्जन में रन करें तो आप बेझिझक इसको अपडेट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप 9.5.13.0 के लिए वेट कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा उसको आप वेट मत कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो अपडेट अभी बीटा वालों के लिए आया है, अभी हमको मिलने में शायद 1 हफ्ता भर लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, और 1 महीना भी लग सकती है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, 2 महीना भी लग सकती है। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगा आप इसको ही अपडेट कर ले ताकि आपके फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। अगर आपको अपडेट करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अपडेट कर सकते हो। और ये फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं, और ये जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो मेका सिक्योरिटी पैच लेवल है, आप देख सकते हैं 2018.5.1 ये मेका सिक्योरिटी पैच लेवल है जो कि बहुत अपडेट है, तो काफ़ी हद तक बढ़िया है, आप इसको यूज़ कीजिए फ्रेंड, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छा स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस अपडेट को आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, और इसमें काफ़ी सारे बग्स भी सॉल्व हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल गया, आप क्या करें या ना करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो ज़रूर करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरी की पूरी सहायता करूँगा। तो फ्रेंड्स इसी बात पर वीडियो को ख़त्म करते हैं।